बसमिल जी एंड वेलकम बैक हम लोग चैप्टर uh, वन कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग हमने कुछ थ्री एश क्वेश्चन किए इन द लास्ट वीडियो और हमने आपको क्रिटिकल थिंकिंग का इंट्रोडक्शन दिए इस वीडियो में हम रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करेंगे एंड देन बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड करूँगा सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दम योर सेल्फ एज वेल राइट अच्छा जी क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं अगेन uh, तरीका क्या है मैंने आपको बताया था पैराग्राफ है पहले पैराग्राफ के बाद स्टेटमेंट्स आएंगी और उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है तो स्टेटमेंट्स को बारी बारी हम मार्क करते रहेंगे और एंड पे अपना आंसर डिड्यूस करेंगे अ फ्ली कैन जंप सेवन इंचेस फ्ली क्या होता है फ्लीज हमने पढ़ा हुआ है इंसेक्ट होता है एक वो जो बहुत ऊंची ऊंची चलांगे मारता है कैन जंप सेवन इंचेस सात इंच तक ये जंप कर सकता है ठीक है जी सेवन का हमने शायद अंडरलाइन करना हो और वन फिफ्टी टाइम्स इट्स ओन लेंथ मतलब इसकी जितनी अपनी लेंथ है उससे डेढ़ सौ गुना ज़्यादा बड़ी वो जंप कर सकता है जो कि टोटल सात इंच बनती है ठीक है आइर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह भी ऊपर वर्टिकली भी जंप कर सकता है यहाँ से लेके अगर बैठा हुआ है तो यहाँ तक भी सात इंच तक जंप कर सकता है राइट एंड एकवलेंट जंप फॉर अ पर्सन वुड बी मोर देन फाइव फिफ्टी फीट अगर इसी रेशो से इसी कैलकुलेशन के हिसाब से लाइक like अपनी हाइट के हिसाब से या डेढ़ सौ गुना ज़्यादा वो अपनी लेंथ uh, के हिसाब से अगर वो करता है तो uh, एक इंसान जो है एक हीन के लिए फॉर अ पर्सन द ये जंप जो है साढ़े पाँच सौ फ़ीट जितनी होगी तो सोचो कि हम यहाँ बैठे हुए और हम साढ़े पाँच सौ फीट ऊपर छलांग मार दें इम्पॉसिबल है और साढ़े पाँच सौ फीट अगर यहाँ से मैं खड़े खड़े उधर छलांग मार दूँ तो ये भी सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है राइट right? तो ये आपको बता रहा है कि फ्ली डेढ़ सौ कर मैं अगेन ब्रेकडाउन करूँ पर आगे तो आपको समझ आए पहली बारी में हमने समझना है ठीक है मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा इस बार से मैं ये करता हूँ साढ़े पाँच सौ फ़ीट जी एक इंसान के लिए होती है अगर वो होती द हाइट ऑफ द वॉशिंगटन मोन्यूमेंट वाशिंगटन डीसी सी की अगर आपने मॉन्यूमेंट देखी हो कुछ वो एक टावर है आ, इस तरह करके आ, जो कि वाशिंगटन डीसी की मॉन्यूमेंट है वो तकरीबन साढ़े पाँच सौ फीट की कह रहे इतनी ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी इंसान को फ्लीज कैन जंप थर्टी थाउजेंड टाइम्स इन अ रो विदाउट स्टॉपिंग एक दफ़ा के अंदर अंदर ये तीस हज़ार दफ़ा छलांग मार सकती है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगेन विदा बगैर रुके इंसान मेरा नहीं खाली कर सकता है एंड दे आर एबल टू एक्सेलरेट थ्रू द एयर एट एन इनक्रेडिबली हाई रेट कि ये जब एक्सेलरेट वही वाली बात है कि जब हवा में होते हैं ये बहुत जल्दी ऊपर uh, जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं या राइट जा सकते हैं जब हवा में और लेफ्ट जा सकते हैं एक्सेलरेशन बहुत तेज़ मूव करते हैं रेट एट विच सॉरी रेट विच इज़ ओवर टेन टाइम्स वॉट ह्यूम कैन विट स्टैंड इन एन एयर ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उससे भी ज़्यादा है कि एक इंसान जब जहाज़ में होता है अगर वो दस गुना तेज चलने लग जाए तो शायद इंसान उसको बर्दाश्त ना कर सके इट इज़ टेन टाइम्स वॉट ह्यूम्स कैन विद स्टैंड इन एन एयरप्लेन ठीक है जिस पॉइंट पर इंसान की बस हो जाती है एक जहाज़ में क्या हो अगर वो इतना तेज़ जाना शुरू कर दे जहाज़ उससे भी दस गुना ज़्यादा है तो भाई फ्लीज बड़ी तेज चीज़ है ये मैंने भी आज ठीक है अच्छा जी तो तीन स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं अब हम इसको रिव्यू कर लेते हैं आ, फ्लीज आर सम ऑफ द बेस्ट जंपर्स इन द नेचुरल वर्ल्ड कहने के दुनिया के अंदर ये प्रॉब्बली वन ऑफ द बेस्ट जम्पर्स हैं बेस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट है बेस्ट का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा या टॉप थ्री या टॉप फाइव में लेकिन नेचुरली मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई तेज इंसेक्ट है या कोई एड नो फिश है जो जंप करे हवा में वैसे मेरा निकाल लेकिन इंसेक्ट्स हो सकते हैं डेफिनेटली क्योंकि इतने किस्म के इंसेक्ट्स हैं शायद साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर ही नहीं किए तो हाँ कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रॉबली ट्रू मैं इसको ट्रू भी कह सकता हूँ दोनों चीज़ें वैसे कह सकता तो हूँ मैं अभी अन छोड़ूँ क्योंकि ट्रू इतनी ज़्यादा जो उसने कह दिया कि इतना तेज़ है इतना ऊंची छला के मारता है तो भाई ट्रू ही होगा लेकिन क्योंकि कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि ये वन ऑफ द बेस्ट है और एल्सवेयर हाँ मुझे मेरे पास इतनी इंफॉमेशन नहीं है एटलीस्ट ये है तो प्रॉबेबली ट्रू भी मैं अदर छोड़ रहा हूँ अ मैन कैन नॉट जम्प मोर देन एट हाइट ट्रू हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है ट्रू इसमें कोई वो साइंस नहीं है कि ये ट्रू है कि नहीं लेकिन प्रॉबिबली टू क्योंकि ऐसा कोई इंसान मुझे लगता होगा जैकी चैन को हम देखते हैं रूसली को हम लोग देखते हैं कि जो लोग बहुत एथलेटिक लोग हैं शायद वो अपनी हाइट से ज़्यादा मतलब अगर एक इंसान छः फुट का है तो छः फुट से ऊपर छलान वो नहीं मार सकता शायद लेकिन हम जंपिंग कॉम्पिटिशन में वैसे देखते हैं कि वो आपको याद होगा कि शायद आपने टीवी शोज़ में देखा हो जंपिंग कॉम्पिटिशन होते हैं ओलंपिक्स में भी आई बिलीव होते हैं आई कुड बी रॉन्ग तो वो एक जगह से छंग आते हैं बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं तो इंसान की हाइट से तो मेरा हाल ज़्यादा ही होता है तो ट्रू भी जनरली लेकिन शायद नहीं कह सकते मैं तो नहीं मार सकता भाई साढ़े पाँच छः फुट से ज़्यादा छलॉग तो ट्रू प्रॉब्ली ट्रू भी हो सकता है मैं इसको ये कह रहा हूँ फ्ली एन इंसेक्ट फ्ली एन इंसेक्ट ट्रू ठीक है अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस सवाल में मुझे भी कि भाई ट्रू ये तो ट्रू है फॉर श्योर sure. ये आ, ट्रू भी हो सकता है प्रॉब्लिट ट्रू भी हो सकता है ये भी ट्रू प्रॉब्ल ट्रू भी हो सकता है दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं प्लीज़ आर सम ऑफ द बेस्ट जंपर्स इन द नेचुरल वर्ल्ड और दे अब बेस्ट अगेन मुझे मसला क्या आ रहा है कि इसने बेस्ट बोला नहीं है और इसने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये बाकी से कम्पेरेटिवली किस तरह है तो बोला नहीं है और मेरी कॉमन नॉलेज में नहीं है फैक्ट नहीं यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है ये मतलब इसमें कोई फैक्ट नोन तो नहीं है तो मैं इसको प्रॉबीबली टू ही कहूँगा और इस वाले को अ मैन कैन नॉट जम्प मोर देन एट साइड लाइक ए सैड के ट्रूथ क्या है कि एब्सोलूटली कि ये वाकई सच है और वाकई कोई भी इंसान दुनिया में छः आठ बिलियन लोग हम जितने भी हैं उससे अपनी हाइट से ज़्यादा छलांग नहीं मार सकता राइट तो ये थोड़ा सा इस है लेकिन प्रॉबिबली ट्रू होगा ट्रू एब्सोल्युटली नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इसका आंसर ट्रू कर दूंगा तो इसका मतलब है ये फैक्ट है राइट right? सॉरी मैं ये फैक्ट है और ये फैक्ट नहीं लग रहा मुझे तो प्रॉब्ली ट्रू ही होगा राइट right? कॉन्सेप्ट मैंने अब इस टाइप में तो दो अब मुझे प्रॉब्ली ट्रू लग रहे हैं एक ट्रू लग रहा है तो मैं इसको प्रॉब्बली ट्रू कह देता हूँ राइट आई तो भेज दी राइट आंसर अगेन देखिए बहुत लेवल कॉम्प्लेक्सिटी थी सारी चीज़ें वही लग रही हैं कंफ्यूजन नेचुरली आपको देंगे लेकिन देखा क्या मैंने आपको एंड से एक फैक्ट बताया जिससे ट्रू तो नहीं हो सकता क्योंकि अ मैन के नॉट जम्प मोर देन एट साइट अगर मैं ट्रू कह देते तो और गल कोई छलांग मार दे जो क्या एम श्योर मारी भी होंगी जिसने छः फुट सात फुट ज़्यादा मैंने आपको ओलम्पिक्स की एक्चैम्पल भी दी तो फिर प्रॉब्ली ट्रू होगा ना ट्रू तो नहीं हो सकता तो इसलिए हम इसको आ, बी करके आगे बढ़ेंगे राइट सो दैट वाज क्वेश्चन फोर फॉर यू गाइस आगे बढ़ते हैं हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर फ़ाइव बड़ा पैराग्राफ दे दिया है इतना बड़ा बस आएगा नहीं आ भी जाए तो बस आपने वही पहली बार में पढ़ना है और राइट क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव आई एम सॉरी इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन फाइव जो है ये कहता है ई रीडर्स आर सुपीरियर ई रीडर्स आर सुपीरियर टू बुक्स बिकॉज दे प्रोवाइड हेल्पफुल रीडिंग टिप्स एंड टूल्स दैट प्रिंटेड बुक्स डू नॉट वो कह रहा है ई e रीडर्स एक टूल है मतलब या ई e रीडर्स एक ऐसी चीज़ है विच आर सुपीरियर टू बुक्स बुक्स से बढ़कर है सिंस दे प्रोवाइड हेल्पफुल रीडिंग टिप्स ये बहुत अच्छी रीडिंग टिप्स देते हैं ई रीडर्स ई रीडर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा भी आपने सुना होगा ई मेल भी होता है राइट तो ई मीट भी होता है ई मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ई जब भी पीछे लग के डैश लगे ना इस तरह तो ई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है तो टेक्नोलॉजी लाइक अगर आप लैपटॉप पे बुक खोल रहे हैं या फिर आप आईपैड पे खोल रहे हैं या फ़ोन पे बुक खोल रहे हैं तब वो इसकी बात करें ई रीडर जो है सुपीरियर टू बुक्स है बुक से, से बेहतर है क्योंकि ये हेल्पफुल रीडिंग टिप्स देता है और टूल्स देता है क्योंकि नेचुरली स्क्रीन आप इंटरेक्ट कर सकते हो इससे खेल सकते हो कुछ कर सकते हो आपको टिप्स बता देगा क्लिक करने पे एट्सट्रा hmm. बॉक्स में तो ये किताब है जितनी दफ़ा टच करो उधर ही रहेगी तो वो आपको टिप्स एंड टूल्स देता है जो कि प्रिंटेड बुक्स जो होती हैं किताब कागजों वाली वो नहीं देती द टिपिकल ई रीडर एक एवरेज टी रीडर या नॉर्मल आम तौर पर ई रीडर जो होता है अलाउज इट यूज टू कस्टमाइज लेटर साइज फॉन्ट एंड लाइन स्पेसिंग क्या आप ई रीडर हैं ना तो आपको अगर जी बड़ा नज़र आता है या छोटे लेटर्स नहीं पढ़े जाते ई e बुक में क्या होता है नेचुरली क्लासिक सारों में शायद ना होता हो लेकिन ई e रीडिंग के जो टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको फॉन्ट साइज बड़ा भी आप उस पर कर सकते हो जी मुझे बड़ा नज़र आता है बहुत बड़ा लिखा हुआ है छोटा कर दो उसका फॉन्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा बहुत ब्लॉकेश डेटर्स है उसको भी कर दो फॉन्ट जैसे लाइन तो स्पेसिंग अगर बहुत जुड़ा जुड़ा लिखा हुआ है थोड़ी सी लाइन बढ़ा दो तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है जो कि ई e रीडर्स uh, में हो सकता है इट ऑल्सो अलाउज़ हाई लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक मार्किंग हाईलाइट भी आप इसमें कर सकते हो चीज़ों को अगर आपको कोई अच्छा लगे जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक ई e रीडर की तरह ही ना जिस पर हम पढ़ें तो देखें मैं इसको आराम से ये हाईलाइट कर सकता हूँ अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ राइट आ, मैं कहता हूँ जी मैंने ये पार्ट हाई करना है तो आराम से मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ खैर बुक्स में भी आप हाईलाइटर पकड़ के कर सकते हो लेकिन देखिए इसके लिए मुझे कुछ और मतलब वो नहीं मैं उंगली से भी इसको कर सकता हूँ सो so, ये वो कह रहा है जी ठीक है बुक uh, मार्किंग भी आप कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक बुक मार्किंग बुक्स में भी होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक है हाईलाइटिंग भी आसानी से कर सकते हो रिलेटिवली फर्द मोर इट ग्रांड्स यूजर्स द एबिलिटी टू गेट एन ओवर व्यू ऑफ अ बुक एंड देन जम्प टू स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑन डेट ओवर व्यू ये बेसिकली बता रहा है कि आपको ये ओवरव्यू बता देता है किसी सेक्शन का और डायरेक्टली आप उस सेक्शन पर चले जाओ कंट्रोल ऑफ मार्केट सर्च कर लो एटसेट्रा एटसेट्रा तो बेसिकली बता रहा ज़्यादा एफिशिएंट है अगेन अबाउट डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन को आंसर करना है समझने की ज़रूरत है वेल दिस और फीचर्स पर मोस्ट हेल्पफुल ऑफ ऑल इज़ दी एबिलिटी टू गेट डिक्शनरी के सारे अच्छे फीचर्स हैं लेकिन सबसे हेल्पफुल क्या है कि डिक्शनरी डेफिनेशन आप उस पर आरती टच ऑफ अ फिंगर कर सकते हो कोई आपको वर्ड नहीं समझ आ रहा है उस पर क्लिक करो उसका मीनिंग सामने आ जाएगा मेरा जब आप एक बुक में हो तो बुक में आप कोई वर्ड देखोगे पॉज करोगे एंड पे आपको कोई डिक्शनरी के लिए अलग बुक खोलनी पड़ेगी लेटर्स में जाके उसको ढूंढोगे वो मतलब वर्ड्स में जाकर इसको रूडों को इस लेटर को और फिर आपको मतलब मिलेगा तो डिक्शनरी फीचर इसका जी बड़ा हेल्पफुल है ठीक है जी समझ आ गई बार बार हम इसको नहीं पढ़ेंगे वो कह रहे जी पहले स्टेटमेंट ई रीडर जी है इज़ वेरी हेल्पफुल वाकई जाहिर है इतनी तारीफ आपने कर दिया तो हेल्पफुल ही होगा लेकिन वाकई है भी कॉमन सेंस यही कह रही है क्योंकि इसने इतनी इस बात को प्रूव किया तो मैं इसको ट्रू कह देता हूँ क्योंकि सामने इसने पाँच दफा छेद पता नहीं चार पाँच फीचर्स इसने गिना दिए यू नीड नॉट कंसल्ट डिक्शनरी वाइल्ड यूजिंग एन ई रीडर बिल्कुल सही है ट्रू है ये भी प्रॉबली uh, ट्रू भी हो सकता है क्योंकि कुछ जगहों पर मतलब के लिए कि कुछ ई e रीडर्स में नहीं होता होगा फंक्शनैलिटी अभी के लिए मैं कह देता हूँ कन्फ्यूज किसी के दिमाग में आ सकता है लेकिन ट्रू है वैसे तो क्योंकि ऊपर बोला डिक्शनरी फीचर स्पेसिफिकली मैंशन किया प्रिटेड बुक्स बुक्स टू नॉट गिव अ गुड कस्टमाइज इंटरफेस टू द रीडर ये तो बिल्कुल ट्रू है कि कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि आपके लिए वो बना हुआ तो बुक तो एक बनती है भाई वो मेरे लिए भी सेम है आपके लिए भी सेम है तीसरे बंदे के लिए भी सेम है मुझे अगर बड़ी राइटिंग पसंद है आपको छोटी राइटिंग पसंद है इसको दरमिया पसंद है मिलनी हमें एक ही बुक है हमारे लिए कस्टम मेड नहीं होती ई बुक्स में होता है तो ए तो टू ट्रू है दो ट्रू हैं और एक ट्रू और प्रॉबल ट्रू आ रहा है इसको भी मैं कह सकता हूँ कि यार ट्रू हो सकता है कि डिक्शनरी है सो सारी इशारे ट्रू की तरफ हो रहे हैं मैं इसको ट्रू कह देता हूँ मिच इज़ ए मिच द करेक्ट आंसर राइट आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूँगा स्पीड में इसलिए पढ़ूंगा ताकि और वो है भी छोटा सा ताकि वही आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि एक दफ़ा पढ़ के सीधा आंसर देना है राइट तो ये आपका मेथड होगा इन सवालों को सॉल्व करने का वंस यू प्रैक्टिस ठीक है तो वही सब फॉलो करेंगे पैराग्राफ स्टेटमेंट्स को मार्क करेंगे और फिर एंड पे आंसर निकालेंगे लेकिन इस बार मैं आपको डिटेल में सही मतलब भी ना बताऊँ क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्योंकि अभी आपको आगे जाके खुद ही समझना है तो मैं जल्दी से इसको पढ़ लेता हूँ द लिविंग रूम डज नॉट लुक गुड अच्छा नहीं लग रहा है इट लुक्स बैड विदाउट अ कारपेट कारपेट के बगैर बहुत बुरा लग रहा है मैरी एंड डैन वॉन्ट टू बाई अ कारपेट कारपेट खरीदना चाहते हैं दे वॉन्ट टू बाई अ कारपेट फॉर देयर लिविंग रूम अच्छा जी ठीक है मैरी एंड डान शिवलिंग्स हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते प्रॉब्बली फॉल्स भी हो सकता है डेटा ही नहीं दिया भाई उन्होंने बोला मैरी एंड डान ने वो करना है अब मैरियन डैन बैठे हुए हैं लिविंग रूम में एक ही शेयर कहते हैं लेकिन बहन भाई भी हो सकते हैं बाप बेटी भी हो सकते हैं मियाँ uh, बीबी भी, 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 भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो डेटा नहीं है हमारे पास इस ये ऑप्शन आप, नहीं बोले आपने इन डेटा वाली ये है हमारे पास तो मैं इसको कहता हूँ सी इनसफिशेंट डेटा वाला लग रहा है मुझे रूम हैज़ ए मार्बल फ्लोर विच डज़ नॉट लुक पेटी ये कह रहा था कि जी रूम डज नॉट लुक गुड बैड लुक्स बैड विदाउट अ कारपेट कारपेट नहीं है लेकिन इसने कहीं मार्बल का लफ्स तो नहीं इस्तेमाल किया तो हाँ बुरा लग रहा है राइट तो पार्टली ट्रू है लेकिन मार्बल का है ये नहीं हमें पता क्या पता हो क्या पता वुडन हो क्या पता टाइल्स हो कुछ भी नहीं कह सकते तो जी हम इसको बी सी के करीब देखें आ रहे हैं बात सही कह रहे हो लेकिन डेटा नहीं है नहीं हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए दे प्लान टू बाय कारपेट थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग उन्होंने कहा कि दे वॉन्ट टू बाय अ कारपेट लेकिन अब थ्रू ऑनलाइन करना चाहते हैं जाके लेना चाहते हैं चौथा कोई तरीका है बा खरीदने का दोस्तों से खरीदना चाहते हैं हमें नहीं पता नहीं डेटा नहीं है तो सी इसके अंदर क्योंकि सी वाले ऑप्शन हमने की नहीं थी तो मैंने जान के एक चौवालस का भी डाला आपके लिए तो इसका आंसर सी ही होगा लाइक हंड्रेड परसेंट क्योंकि सारी बातें जो वो कर रहा है ना वो अगेन इस तरह के आंसर्स की क्या क्लू है जो वो बातें करें ना वो ट्रू हैं मतलब हमें पैराग्राफ से नहीं पता चल रहा ना वो फॉल्स हैं ठीक है तो सारी बातें हो सकती हैं लेकिन प्रॉबली ट्रू भी नहीं कहता प्रॉब्ली फॉल्स भी नहीं कहता ट्रू भी नहीं कहता फॉल्स भी नहीं कहता बचती है कि ऑप्शन है इस तरह भी देखें तो और वाकई अगर ये यहाँ पर बता देता कि जी आ, ये मैरिन डेंस सिबलिंग्स हैं और यहाँ पे बता देता कि ये ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं कारपेट राइट यहाँ पे बता देता कि जी मार्बल का फ्लोर है तो फिर मैं ट्रू कर देता या एक दो चीज़ें बताता एक ना बताता तो प्रॉबिबिली ट्रू कर देता तीनों चीज़ों में से मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो नेचुरली इनसफिशेंट डेटा टू से ट्रू ऑफ ऑल्स के यार हमारे पास इतनी इन्फॉमेसन नहीं है राइट तो ये आपके क्वेश्चन थे क्रिटिकल थिंकिंग के अगेन टॉप टिप यही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें पैराग्राफ पढ़ें पढ़ें स्टेटमेंट्स को बारी बारी मार्क करें और उसके बाद आप अपने जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल आपका गट कहता है उसको सिलेक्ट कर लें राइट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एक आधी दफ़ा और इसको देख लें लेकिन कोशिश करें टाइम बहुत ज़्यादा इस पर जया ना करें ताकि आप और मुश्किल सवालों पर भी देख सकें राइट सो दैट वाज अबाउट इट फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग लेक्चर राइट से देखिए एक चैप्टर हमारा खत्म हो भी गया इतना आसान है हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम बाकी चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे इन ये तीन चार घंटों से बड़ा आपका कोर्स नहीं होगा राइट टिल देन टैन यू रिव्यू द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर ऑफ़ अराउंड केयर अल्लाह हाफिज़